We'll move to the next one. I want all of you all to be very attentive in class and don't waste any time. Okay, so April, we'll start with April 2023 paper. Matlab kar diya tha humne start. We have done till question number 12. We'll be starting from question number 13. Quickly, let's read all of you and batao iska answer kya hoga in the chat box. Quickly. हाँ, which is profit maximizing firm, whether or not to run an extra flight, ये step के sums हमने किए हैं. The total daily fixed cost दिया हुआ है, variable total variable cost दिया हुआ है, expected revenue of 50 with 85 passengers. मतलब ये फ्लाइट टिकट है. तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या करना होगा? ठीक है, पीपल आर आंसरिंग ए, नॉट रन द फ्लाइट बिकॉज इट विल एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स टू डिक्रीज और लॉसेस टू इंक्रीज बाय 250. कैसे आ रहा है? प्लीज आप लोग अनम्यूट करके रिप्लाई करोगे. फिक्स्ड कॉस्ट है 4000 का, 4500 का वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, 85 into 50 कितना आ रहा है रेवेन्यू? 4250. हाँ, 4250. तो आप क्या देखोगे? आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे कि आप फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट तो एनीवेज सेम है ना. एडिशनल जो हमने किया उससे तो फिक्स्ड कॉस्ट पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. फिक्स्ड कॉस्ट उतना का उतना ही है, चाहे आप रन करो एक्स्ट्रा फ्लाइट की आप मत करो. आपका फिक्स्ड कॉस्ट 4000 का 4000 ही रहना है. तो इसीलिए 250 का देयर इज अ लॉस, क्योंकि ये आपका कॉस्ट है 4500 और ये 4250 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्विकली. एक्स इज अ इंफीरियर बट नॉट गिवन, तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका बजट लाइन है. फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स से क्या होगा? हम एक्स और खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? प्राइस ऑफ एक्स अगर पी एक्स इज गोइंग डाउन, क्विकली पी एक्स इज गोइंग डाउन, ए सब लोग ए बोल रहे हैं. इंफीरियर गुड में आपका क्या लॉ ऑफ डिमांड उल्टा उल्टा काम करता है? अगर पी एक्स विल गो डाउन तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे कि कम कंज्यूम करोगे? आप ज्यादा कंज्यूम, वो इतना हड़बड़ में तुम आया कि तुम सीधा सीधा चला गया क्लास. मेरे को दिखाई नहीं कि मैम बैठी. ठीक है, तो वेरी गुड श्रेय. श्रेय ने करेक्ट आंसर दिया है. Becomes flatter and overall consumption of X is rising. भाई आप लोग क्या कर रहे हो? Inferior good है. Inferior good में law of demand थोड़ी उल्टा work करता है. Law of demand तो as it is work करता है. Given good के लिए law of demand उल्टा है ना. तो अगर PX goes down, QX will increase. It will become flatter. Budget line will shift right. What are you guys saying? मार्क करो इस क्वेश्चन को. जिस क्वेश्चन में गलत आंसर कर रहे हो लेके बैठो, ऐसे लिखो ऊपर. आप लोग बोलते हो ना मैम रिवाइज क्या करें, ये आपको रिवाइज करना है. ऐसे ऊपर हेडिंग दे दो अप्रैल 2023. जिस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहे हो वो क्वेश्चंस के सारे लिख लो एमसीक्यूज. एटलीस्ट एमसीक्यू में तो आपका फुल आए, कुछ और नहीं तो. चलो नेक्स्ट क्विकली करो 15 नंबर. पूरा
आई थिंक 12th तक हुआ था वो, मुझे याद है, वो देख के बताओ पूरा किया तो ठीक है। श्रेय किनोरिया सिंह बी, विच इज द करेक्ट आंसर, कुड एक्सप्लेन वाई अ कंट्रीज, कहीं डाउट है प्लीज बोल देना। वेरी गुड जानवी। एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट इनवर्ड्स, कब शिफ्ट होता है एक कंट्री का एग्रीगेट डिमांड? एडी, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है तो लोग क्या कर, एक्सपोर्ट। आप खाली ये वाला पोर्शन बताओ क्या होगा, ये वाला पोर्शन में क्या होगा सामान अप्रिसिएशन होने इंपोर्ट से? बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो कंट्री डेफिसिट में जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, लोग बाहर से गुड्स मंगाएंगे और हमारे गुड्स कॉम्पिटिटिवली एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन 16 कहाँ तक ये थे? ठीक है, कोई नहीं, बताओ क्विकली। भाई इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, जिस तरीके से आप एक एमसीक्यू के लिए 10-10 मिनट ले रहे हो सब। 16, रियल वेरिएबल्स के लिए कौन सा ट्रू है? गलत बोल रहे श्रेय। द नॉमिनल जीडीपी मस्ट चेंज बाय अ बिगर परसेंटेज देन द रियल जीडीपी इफ देर इज अ पॉजिटिव राइज इन अ रियल जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हो? रियल बाय नॉमिनल होता है कि नॉमिनल बाय रियल होता है? रियल बाय नॉमिनल है ना, तो ये चीज गलत है, उल्टा होगा इसका। वेरी गुड जानवी तन्ना एंड प्रेरणा। रियल इंटरेस्ट रेट्स कैन बी नेगेटिव इवन इफ बोथ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आर पॉजिटिव। अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव है और अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी पॉजिटिव है तो रियल क्या नेगेटिव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते? रियल इज वॉट? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है ना, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव होने से क्या फर्क पड़ता है? चलो नेक्स्ट, मतलब हाँ ट्रू बोल रहा है। चलो नेक्स्ट, अडॉप्शन ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कंबाइंड विद अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, दोनों का क्या इम्पैक्ट है? एक्सपेंशनरी फिस्कल का क्या मतलब है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की कोशिश बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग टैक्सेशन। गलत बोल रहे हैं श्रेय, योर एमसीक्यूज आर नॉट गुड, गलत का आंसर बोल रहे हो। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब, हाँ डी गलत। पहले तो ये बताओ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है भाई? एक एक्सपेंशनरी है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी है, आप दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हो? हाँ कैसे एग्रीगेट डिमांड आप लोगों का बढ़ा है? कॉन्ट्रैक्शन, एक जगह आप एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हो, एक जगह आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हो। इनडिटरमाइंड इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड अनएम्प्लॉयमेंट। राइज फॉल कहाँ से आ गया? वर्ड्स ही नहीं पढ़ कर पा रहे हो कोई भी। सी कहाँ से हो जाएगा जानवी? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी का क्या मीनिंग होता है? हाँ क्या पैसा बचा रहे हैं? मनी सप्लाई कम कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हैं,
और यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या फर्क दोनों से कैसे समझ में आएगा? कैंसिल नहीं होगा, इनडिटरमाइंड, पता नहीं चलेगा किसका ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मार्क करते जाओ, जहां जहां गलती हो रहा है मार्क करते जाओ, बाद में रिविजन में काम आएगा। फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे नहीं, मेरे को फाइनल बताओ। जानवी रॉन्ग, सप्लाई साइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट वुड नॉट रिड्यूसिंग सोशल सिक्योरिटी से क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो वुड नॉट बी होगा। वेरी गुड, बी होगा इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट एडी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा कि ज्यादा होगा? नहीं, बट इसमें बोला है वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई साइड। वेरी गुड, मनी सप्लाई तो आपका नहीं, बी होगा आंसर। मनी सप्लाई तो आपका सप्लाई साइड पॉलिसी होता ही नहीं है, डिमांड साइड पॉलिसी है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। पकड़ो वर्ड्स, पकड़ो। एमसीक्यू कैसे बनाएंगे वो बेचारे? 26 एमसीक्यूज कैसे बनाएंगे? वो वर्ड्स को पकड़ेंगे। तुम पकड़े हो इस वर्ड को, पकड़ना था। चलो फटाफट, कोई नहीं आंसर किया अभी तक। जी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम जीडीपी बोल रहा है। आप किसको किसको वो करोगे इक्वेट? अब वाई इक्वल्स सी प्लस क्लोज इकोनॉमी विथ नो टैक्सेस बोल रहा है ना, तो इनको इक्वेट करो। दिस इज नथिंग बट एडी 50 प्लस 0.6 वाई प्लस 100 प्लस 50। करो वाई, बताओ। इक्वेट क्या करना है? वाई के लिए सॉल्व करना है। None of the above. Very good. Next. चलो 2500 आ रहा था आंसर, सो none of the above. 20. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश, एक तो इन्फ्लेशन होना चाहिए और दूसरा कॉस्ट साइड होना चाहिए। श्रेय बोल रहे ए होगा। ट्रेड यूनियन का पार बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे? वो अपना कॉस्ट सीओपी इंक्रीज। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। राइट 21,
कट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा? बी गलत, रेज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, ये इसका इफेक्ट है। तो एडी अगर आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो उससे आपका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्यों? जानवी सिंह ए विच इज द करेक्ट आंसर। जानवी कैन यू अनम्यूट एंड एक्सप्लेन क्विकली टू अस? मैम, बिकॉज द एग्रीगेट डिमांड विल फॉल विच विल लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। एग्रीगेट डिमांड फॉल का मतलब इंटरेस्ट रेट विल फॉल ना। 22, एग्रीगेट डिमांड लो हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा ना। Then the actual inflation. ठीक है, ये बोल रहे हैं वेज तो राइज होगा तो फॉल नहीं होगा, क्यों? एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वेज रेट, रियल वेज विल ग्रो, ये हो गया, तो ए बी कट और रियल आउटपुट कम होगा, फॉल होगा। वेरी गुड, डी। ठीक है, वेरी गुड। मैम आउटपुट क्यों कम होगा? आउटपुट क्यों कम होगा, एक्सप्लेन करो कृष। रियल नहीं, रियल वेज इंक्रीज हो रहा है, रियल वेज इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है श्रे, तो रियल आउटपुट फॉल होगा ना। इन्फ्लेशन बढ़ने का इफेक्ट क्या होता है? रियल वेज ग्रो हुआ बट रियल आउटपुट तो फॉल हुआ ना। या मैम पॉकेट आपका एक्सपेक्टेशन कम था पहले, अब आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है तो आपका रियल वेज अब बढ़ेगा, विल स्टार्ट टू राइज, आउटपुट रियल आउटपुट फॉल। चलो रेनी थ्री, बी एज क्विक एज पॉसिबल। जानवी ने ए लिखा है। हाँ, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, इसका क्वेश्चन है। एक्ट टू डैश ए लिखा है इन्होंने, मतलब इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यूरिंग अ रिसेशन। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? मैम जब इनकम बढ़ता है तो अपने आप लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, तो वो अपने आप होता है तो उसको ऑटोमेटिक ऑटो। स्टेबलाइजर मतलब जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तुम अपने आप ज्यादा टैक्स पे करेगा, उससे क्या होगा, अपने आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, है ना। दैट्स योर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। एक्ट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर मतलब अपने आप जो एक्ट कर रहे हैं उसके अब जिस रिसेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग को इंक्रीज कराना है और रेवेन्यू को डिक्रीज कराना है। चलो 24, इनकम लोगों का कम हो रहा है तो गवर्नमेंट ऐसी और आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड बहुत कुछ देगा, दैट विल इंक्रीज। 24 का ए बोल रहे हैं सब लोग, विच इज करेक्ट। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी या आपका इन्वेस्टमेंट्स है, या आपका जी है, या आपका एस है, या आपका टी है, मोस्ट लाइकली टू अकर।
तो यहाँ आप लोग कैसे करोगे? आप लोग विड्रॉल्स क्या हो गए अपने? विड्रॉल्स हो गए अपने 15 + 25 विच इज 40, और ये हो गया आपका 60. तो आपका विड्रॉल्स कम है, इंजेक्शन ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? नेशनल इनकम विल ऑब्वियसली राइज अगर इंजेक्शन ज्यादा होगा तो. चलो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है? क्या वो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ. वेरी गुड श्रेय, एमवी इक्वल्स पी वाई. लीस्ट लाइकली टू लीड टू इन्फ्लेशन इफ. मनी सप्लाई बढ़ गया ना, तो हम लोग वी को कांस्टेंट मानते हैं. और किसको कांस्टेंट मानते हैं? पी को कि वाई को? वाई को कांस्टेंट मानते हो, इसलिए तो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना. तो किस क्या होगा यहाँ पे आंसर? श्रेय गिनोरिया बोल रहे डी गलत है. वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन विच इज वी एंड रियल इनकम नेशनल इनकम आर कॉन्स्टेंट. सॉरी, वाई थोड़ी कॉन्स्टेंट होता है, पी कॉन्स्टेंट लेते हैं अपने, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा बचा? वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है एंड इनकम विल राइज. ठीक है श्रेय, नेक्स्ट आप लोग देखो. जो इजी था, क्यूटीएम इज इजी, ये इजी होता है, बट यहां पे मिस्टेक कर दिया, तो ये सब लिख लो. नेक्स्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन. क्या बोला? ए और डी क्यों नहीं होगा? करेक्ट, दोनों फॉल दोनों राइज नहीं हो सकता. मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए. वेरी गुड श्रेय जानवी, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए. राइज इन इन्फ्लेशन, तो फॉल इन इन्फ्लेशन भी कट. हाँ, तो ऑप्शन बी राइज इन इन्फ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन बढ़ा. फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोला है? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम हो जाएगा. ठीक है ना? वेरी गुड. नेक्स्ट अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस में. क्विकली वील आंसर दिस, इसको आंसर करो क्विकली. आई थिंक हमने कर लिया था क्या? एमसीक्यू कर लिए थे ना पूरा? कोई बात नहीं.
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर बोला है, ये आपका ईच यूनिट ऑफ कैपिटल कॉस्ट तो के कांस्टेंट है एंड ईच यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट 100, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट पर लेबर है, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एमपीएल, तो आप टीपीएल निकाल लोगे मल्टीप्लाई कर करके, एंड फिफ्थ यूनिट का बोला है, तो मतलब यहां से यहाँ ये 4 × 45 माइनस 5 × 50 माइनस 4 × 45 कितना आ रहा है? वेरी गुड, 70. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द एमपी ऑफ द सिक्स यूनिट ऑफ लेबर इज ग्रेटर और लेस देन द थर्ड यूनिट ऑफ लेबर. तो थर्ड यूनिट का बताओ एंड सिक्स यूनिट का बताओ, कितना है दोनों का? किस, इसका 50 है श्योर, और इसका तो किसका ज्यादा हुआ? सो सिक्स यूनिट इज लेस देन. नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ 4 यूनिट्स आर एम्प्लॉयड. अगर 4 यूनिट्स है तो 45 आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, तो 4 यूनिट्स है मतलब 4 × 100 प्लस 300, बोलो कितना आ रहा है? 100, लेबर कॉस्ट 100 है, 300 फिक्स्ड है, कितना आ रहा है? 700 आ रहे हैं. 700 / 4 कितना होता है? हाँ, एवरेज बोला है ना, एवरेज कॉस्ट, वो तो टोटल कॉस्ट आया. 700 इज द रॉन्ग आंसर ना जानवी, ये तो टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट इज डिवाइड बाय 4. निकाल क्यों नहीं लेते कैलकुलेटर? 175. इनका कुछ गलत है क्या? इनका आंसर गलत है. दे हैव गिवन 10.56, आई डोंट नो हाउ. कितना आ रहा है 700 डिवाइड बाय 4? दे हैव गिवन अ रॉन्ग आंसर, दे हैव गिवन 10.56. हाउ कम? हाँ, इन्होंने कैपिटल कॉस्ट नहीं लिए, तो ईच यूनिट ही तो हमने कितना अप्लाई किया हमने. नहीं, यू आर गिवन विच अलोंग विद द 5 यूनिट्स. अच्छा, वी हैव 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, सॉरी गाइस, वी हैव 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो ये 5 × 300 होगा, 5 × 300 होगा, मतलब और कितना बढ़ गया इधर? बोलो डिवाइड बाय, करो ना डिवाइड. डेटा कंसर्निंग द एवरेज प्रोडक्ट वेयर यू हैव अलोंग विद द 5 यूनिट्स आर द ओनली 2 फैक्टर्स. तो 400, सो दे हैव डन समथिंग रॉन्ग आई गेस. रॉन्ग है ये, फिर यही होगा. कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन आउटपुट इज 270 यूनिट्स. आउटपुट 270 यूनिट्स कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा ना. दिस इनटू दिस कितना आ रहा है? 6 × 45 कितना आ रहा है? 270 यूनिट्स में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है. 6 × 100 कितना आ रहा है?
2100 is the correct answer. Determine how many units of labor the firm should employ. Forty per unit, regardless of the quantity sold. Bol rahe, determine how many units the of labor one should employ if good being produced can be sold at 40 per unit. बेच सकते हो आप 40 per unit पे, तो आपका वो ना पड़ेगा, मतलब at least you need to get that profit. तो अगर हम ले x units of goods, है ना? तो क्या हो गया 40x equals ना ना क्या बोल रहे तुम? इन्होंने कुछ दिया नहीं ना, कितने यूनिट था? आएगा ना, तो यहाँ पे आप एक्स, आई थिंक आप डाल के देख सकते हो, 40 बोल रहे ना, तो आप सब में डाल के देखो, 40 इंटू दिस करो एंड जहां पे भी टोटल कॉस्ट 14 टू 6 क्यों करेंगे? हाँ, ये एवरेज प्रोडक्ट बोला. हाँ 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 40 इंटू दिस इंटू दिस, क्योंकि 6 इंटू 45 इज बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स. दैट इंटू 40 करो तो 6 इंटू 45 करो. क्या किया तुम? 270 कहां से आया? कितना आ रहा है टोटल? 10,800 आ रहे. दैट इज योर टोटल प्रॉफिट रेवेन्यू. हाँ, टोटल कॉस्ट 2100 आ रहा था. कुछ मिस हो रहा है इधर. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लेबर द फर्म शुड एम्प्लॉय इफ द गुड बीइंग प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड एट 40 पर यूनिट रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड. तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी क्वांटिटी सोल्ड, कोई भी तुम कितना भी क्वांटिटी सोल्ड सेल कर, कितना यूनिट्स तुम एम्प्लॉय करेगा ताकि हम लोग 40 पे कर पाए, ये पूछ रहे क्वेश्चन में. इन क्वेश्चंस में ना ज्यादा वर्किंग्स रिक्वायर्ड नहीं होते क्योंकि वन मार्क के क्वेश्चंस है, तो यू कैन बी वेरी फास्ट विथ इट. यू डोंट हैव टू शो द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप वर्किंग. कैसे निकालेंगे बोलो? आंसर क्या है? 6 यूनिट्स ऑफ लेबर. नहीं होगा ना, पर लॉस तो होगा ही नहीं. 15 टू 5 इज द नंबर ऑफ इनटू 40, बहुत ज्यादा आ रहा है. बोलो कितना हो रहा है? 15 टू 5 टू 15 टू 40 10,000 वॉट. समथिंग इज रॉन्ग. कोई बता पाएगा क्या होगा?
मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है. कैपिटल कॉस्ट मेरे को लग रहा है 300 नहीं होगा या कुछ. नहीं, ये वाला भी आंसर गलत है ना, मैच नहीं हुआ आंसर. क्या होगा? एनीवन, जानवी बोलो, ट्राई करो. मैम आइडिया नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए. इस क्वेश्चन को मार्क करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि मुझे तो इसका भी आंसर गलत लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल देयर इनकम इन टू गुड्स एंड इज करेंटली मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी. वाई नॉर्मल है, एक्स इंफीरियर है बट नॉट गिवन है. यूज दिस इनिशियल इक्विलिब्रियम एज योर स्टार्टिंग पॉइंट. एक्सप्लेन योर आंसर विथ रेफरेंस टू इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एप्लीकेबल. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड एंड एक्स एंड वाई इफ द इनकम इंक्रीजेस. तो अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग एक्स को कम कंज्यूम करेंगे और वाई को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, पर हम लोग को दोनों इफेक्ट से समझाना है, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू बोलो क्या होगा. गुड वाई, हाँ नहीं, अराइज इन इनकम. ये दोनों गुड्स जो हैं इसमें प्राइस में कोई आपका चेंजेस नहीं हो रहा है. सो सिंस प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कोई फायदा ही नहीं है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टू कंसिडर. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तभी चेंज कंसिडर करते हो जब आपका प्राइस में चेंज है. अरे हम लोग इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन करते थे जब डिमांड सप्लाई एक्सप्लेन डिमांड एक्सप्लेन करते थे कि डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है. सिंपल यहाँ पे ये बोलना है सिंस देर इज नो चेंज इन द प्राइस हेंस देर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट टू बी कंसिडर्ड. आप ये कब करते थे? जब आप डिमांड को आप बताते थे जब आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आपका जो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है तो आप उसमें एक्सप्लेन करते थे ना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट और इनकम इफेक्ट का, और दैट वॉज डिफरेंट फॉर अ नॉर्मल गुड गिवन गुड एंड अ इंफीरियर गुड, रिमेंबर. तो जब आपका प्राइस चेंज हो ही नहीं रहा है तो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स कंजम्पशन. अगर पी एक्स आपका फॉल है तो क्यू एक्स आपका बढ़ेगा क्योंकि इट्स इंफीरियर ओनली. तो आप इनकम इफेक्ट क्या बोलोगे? आप इनकम इफेक्ट क्या बोलोगे? आपका रियल इन सुनो, रियल ध्यान से सुनना, रियल इनकम बढ़ गया तो आपका इनकम इफेक्ट जो है इस केस में आपका इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव. हम लोग कैसे इसको समझे थे इफ यू ऑल रिमेम्बर, इसमें हमने काफी डिबेट किया था. अगर आपका प्राइस गिर गया आपका रियल इनकम इंक्रीज होगा तो आप क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स कम कंज्यूम करोगे. क्यों? क्योंकि आपका ये इंफीरियर गुड है. तो यहाँ पे ये गिरा और इनकम इफेक्ट की वजह से आपका क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स भी गिरेगा तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आपको क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंक्रीज होगा विच इज अ नेगेटिव, बट इसका इफेक्ट ज्यादा होगा देन आपका इनकम इफेक्ट, हेंस इट इज इंक्रीजिंग. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट इफ बोथ, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा बाय से. हाँ श्रेय, मैम, अगर गुड एक्स का प्राइस कम होगा तब तुम लोग वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना, मतलब जो पार्ट टू है. तो वही तो लिखा है मैंने, प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ गया और प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ गया, दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ा. तो यहाँ गुड एक्स तो इंक्रीज हो ही रहा है, गुड वाई के लिए बताओ क्या होगा? इसके लिए दोनों इनकम इफेक्ट इसका आपका नेगेटिव है. ये अगर बढ़ा तो आपका रियल इनकम कम हो गया, रियल इनकम कम हो गया तो आप ये कम कंज्यूम करोगे गुड वाई, है ना? और इसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी क्या होता है, प्राइस बढ़ गया तो आप दूसरा कुछ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका गुड वाई कम हो गया. ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है. गुड एक्स का क्या होगा? प्राइस बढ़ गया, रियल इनकम कम हो गया और ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये ज्यादा अकॉर्डिंग टू इनकम इफेक्ट और अकॉर्डिंग टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम.
बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा है. तो ऑल इन ऑल क्या हो रहा है, दोनों आप कम कंज्यूम कर रहे हो. तो गुड एक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, रिलेटिव प्राइस तो दोनों का सेम चेंज हुआ ना, पी एक्स बाय पी वाई आपका सेम चेंज हुआ. तो आप इसमें यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम इफेक्ट पे देखो, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी क्या होता है, एमयू एक्स बाय पी एक्स इक्वल्स एमयू वाई बाय पी वाई. तो आपका पी एक्स बाय पी वाई तो अनचेंज्ड है ना, तो देर इज नो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हैपनिंग बिटवीन द सेम, क्योंकि आपका दोनों सब्स्टिट्यूट, आप एक्स को वाई से सब्स्टिट्यूट करोगे वाई को एक्स से, दोनों का पी एक्स बाय पी वाई का रेशियो सेम है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है. इनकम इफेक्ट काम आएगा, तो इनकम इफेक्ट किसका है, क्योंकि आपका इनकम ऑल इन ऑल फॉल हो रहा है, तो जब आपका इनकम फॉल हो रहा है तो आप वाई कम कंज्यूम करोगे एक्स ज्यादा, क्योंकि एक्स इंफीरियर है. तो राइज इन, कैसे समझाओगे, समझ में आया ना, इनकम इफेक्ट खाली काम आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे दोनों नहीं काम आया था क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं था, यहाँ पे दोनों काम आया हमने समझ लिया, और यहाँ पे क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं काम आएगा क्योंकि रिलेटिव प्राइस सेम है, तो इसीलिए इनकम इफेक्ट खाली काम आएगा. चलो 29, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन रिटर्न्स इन रिलेशन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म प्रोड्यूसिंग गुड, वेयर टू फैक्टर्स आर कैप. तो एक आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स और डिस इकोनॉमीज, एक आपका लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, एक आपका शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है. और आप कैसे इसको समझाओगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आप क्या बोलते हो, जैसे जैसे आपका फैक्टर्स इंक्रीज होता है, वेरिएबल इनपुट आप इंक्रीज करते हो गिवन द फिक्स्ड, तो आपका क्या होने होते जाता है, इन द शॉर्ट रन आपका आउटपुट पर यूनिट कम होते जाता है, ठीक है, एट द सेम मतलब आपका एवरेज प्रोडक्ट, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कम होते जाता है. एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एक पॉइंट के लिए आपका फॉल होता है, आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है. तो आप दोनों को समझा दोगे एपीएमपी, उसके बाद आप क्या बोलोगे फॉर लॉन्ग दिस इकोनॉमीज के लिए क्या बोलोगे, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, और लॉन्ग रन में आपके दोनों दोनों इनपुट्स आपके वेरिएबल हैं, तो दोनों इनपुट्स को एक फिक्स्ड प्रपोर्शन से चेंज करेंगे, तो आपका चेंज इन आउटपुट इज लेस. हाँ ऐसे बोलेंगे ना, सपोज हमने दोनों को 50% से इंक्रीज किया, कैपिटल एंड लेबर को इंक्रीज बाय 50%, सो आपका आउटपुट इज इंक्रीजिंग बट एट अ लेस रेट, इंक्रीजिंग बट लेस देन 50% से इंक्रीज, दैट इज दिस इकोनॉमीज ऑफ. एंड उसका रीजन, क्योंकि 5 मार्क्स है तो 2.5 2.5, तो उसका कुछ रीजन दे दो वो क्यों होता है. आपका लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है, क्योंकि आपके जो लेबर्स हैं वो स्पेशलाइज उतने नहीं है, और आपका आपका कैपिटल फिक्स है, तो आप उसमें इतने लेबर इम्पोर्ट करो तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका ब्यूरोक्रेसी है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी है, फ्लेक्सिबिल इनफ्लेक्सिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी है, वो सारा आपका डिस इकोनॉमीज का रीजन हो गया. हाँ 3 3 नहीं, 5 मार्क्स है, 4 4 पॉइंट, 2.5 2.5, तो हर पॉइंट का 0.5 0.5 वेटेज है, ठीक है. तो आप मिनिमम 4 पॉइंट लिखोगे, 4 भी नहीं 3 लिखोगे तो हो जाएगा, 3 3 पॉइंट लिखोगे तो हो जाएगा. नेक्स्ट, मोनोपली है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगा टू इंश्योर कि ओवरचार्ज नहीं होगा. तो हम लोग को यहाँ पे जो जितने भी मोनोपली में पॉलिसीज, याद है हमने कंपटीशन पॉलिसी किया था लास्ट क्लास अपडेट्स में, तो कंपटीशन पॉलिसी आपका यहाँ पे काम आएगा. क्या क्या बोल सकते हैं बताओ, प्राइस ज्यादा ना बढ़ाए, ठीक है. तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप एक रूल बना सकते हो, और ये आपका एक नेचुरल मोनोपली हो गया. पहले तो ये बताओ कि ये नेचुरल मोनोपली जो अपने आप ग्रो किया है, क्योंकि अब कोई कॉम्पिटिटर आएगा भी तो इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज द नेटवर्क वाला जो आपका पॉइंट था कि पाइपलाइंस एंड वो रहते हैं, तो वो एक नेटवर्क आपका बन जाता है. गवर्नमेंट को मेक श्योर करना है कि जो वाटर है वो सिक्योर हो, सेफ हो, क्वालिटी वाइज
उसके बाद वो सबको अवेलेबल हो, एंड सिंस इट्स अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो काफी नेसेसरी है, तो देर शुड नॉट बी एनी क्या, हाँ, प्राइसिंग कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा? हाँ, प्राइस सीलिंग लगा सकते हैं, और अगर हम लोग ऐसे बोलें कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर का वो कर दें पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर दें, उससे भी हमें हेल्प होगा, और गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकता है इसको सप्लायर को, सप्लायर का मे बी कॉस्ट उतना मीट नहीं होगा अगर हम इस प्राइस पे रखें, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगा कि भाई हम तुम्हें सब्सिडी दे दो, तुम लोगों से कम चार्ज करो, लाइक व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एलपीजी। और बोलो। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे आज, कि प्रॉपरली ऑथोरिटीज मॉनिटर करें सेफ्टी सिक्योरिटी, कि आपका जो वाटर का क्वालिटी है वो सही जा रहा है, सब तक पहुंच रहा है, इक्वालिटी से सब तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कुछ लोग एक लोकैलिटी में ज्यादा एक लोकैलिटी में कम, तो वो भी नहीं, इट्स एन एसेंशियल गुड, तो इट नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू ऑल ऑफ देम। प्राइसेस कैसे कंट्रोल करेंगे, ये कुछ तरीका है, टैक्सेस कम कर सकता है उनका, ठीक है। हाँ, समझा के उसको, एंड इट्स एन एसेंशियल गुड वो सारा। चलो 31, परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। क्या प्रॉब्लम है उसका? उसका प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। लैंडलॉर्ड को नहीं पता कि जो रेंट देने वाला न्यू टेनेंट आया वो कितना दे सकता है, उसका एक्चुअल अमाउंट कितना है देने का वो उसको नहीं पता, कि टेनेंट कितना दे सकते हैं फुल टाइम के लिए या जो भी है, हाफ टाइम दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, तो कैसे बेटर नॉलेज कैसे मिलेगा उसको? अगर हम लोग को टेनेंट का फाइनेंसिस के बारे में पता रहे, ठीक है, और हम लोग को पता रहे कि उसका इंटेंट है कि नहीं, कि वो राइट टाइम पे करेगा कि नहीं, तो इससे क्या कैसे कर सकते हैं? जब मेरा घर है, मैं जो रेंट करना है, तो मैं उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखूंगी कि भाई वो टाइमली रेंट पे करेगा कि नहीं, फुल रेंट पे करेगा कि नहीं, उसका क्रेडिट चेक कर सकते हैं कि पहले कहाँ रहा था तो वहां रेंट दिया, बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, वेरी गुड, एविडेंसेस देख सकते हैं, पहले के बिल्स उसके चेक कर सकते हैं, पहले के टेनेंट्स से पूछ सकते हैं, देन ओनली यू डू अ प्रॉपर बैकग्राउंड चेक एंड देन ओनली यू विल रेंट योर फ्लैट टू समवन, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लाइकली इफेक्ट ऑन द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ अ रेंट कंट्रोल लॉ दैट सेट्स द रेंट चार्जेबल बिलो द फ्री मार्केट रेंट। तो ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम इसके नीचे सेट कर दिया है, प्राइस सीलिंग हमने बना दिया है। कमेंट ऑन हाउ दिस विल इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट विल डिपेंड ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर रेंटल प्रॉपर्टीज। प्राइस इलास्टिसिटी, हाउ दिस इम्पैक्ट विल डिपेंड, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई साइड से बोला है, सप्लाई कौन करता है? टेनेंट, सॉरी, लैंडलॉर्ड सप्लाई करते हैं, तो अगर हम लोग बोलेंगे सप्लाई इलास्टिक है, सप्लाई इलास्टिक होने का मतलब प्राइस अगर कम हो गया तो हम लोग सप्लाई कम कर देंगे बहुत ज्यादा से, सप्लाई अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा, तो सप्लाई अगर इलास्टिक है, जितना इलास्टिक है तो कम होने से क्या हुआ, सप्लाई बहुत कम हो जाएगा, बट अगर इन इलास्टिक है तो प्राइस कम होने से उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो आपका क्वांटिटी ऑफ परचेज सोल्ड बाय द टेनेंट जो भी वो उतना कम नहीं होगा। सो मोर द इलास्टिक द ग्रेटर वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द रेंटल प्रॉपर्टी, वो ज्यादा से फॉल हो जाएगा, और ज्यादा से फॉल होने का प्रोड्यूसर सरप्लस पे इम्पैक्ट बोला है, तो अगर याद करो हमने क्या था, कंज्यूमर सरप्लस,
प्रोड्यूसर सरप्लस, तो जितना ज्यादा इलास्टिक होता है उतना उस पर इम्पैक्ट कम होता है ना। तो यहाँ क्या बोला है, द मोर इलास्टिक द सप्लाई कर्व देन द ग्रेटर वुड बी द क्वांटिटी ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट एंड देयरफॉर ग्रेटर लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट। फॉर एक्सपोर्ट्स, सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स और अगेन इंपोर्ट को टैन टैरिफ्स लगाना पड़ता है उसमें। कंट्री विद अ फिक्स्ड बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट, ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करना चाहता है, मतलब वो एक्स माइनस, ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या, वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है इंपोर्ट कम करना चाहता है, बट हैज रूल्ड आउट इंपोर्ट कोटा एंड टैरिफ्स को वो हटा दिए। डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ वेरियस अदर मेजर्स द कंट्रीज गवर्नमेंट कुड टेक टू रिड्यूस, तो अदर मेजर्स क्या ले सकते हैं कि करके बताओ तो ट्रेड डेफिसिट, हाँ इसको छोड़ के आपको बताना है। सब्सिडी किसको देगा तुम? ठीक है, तुम डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रहा है और उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो कम, मतलब उनको पैसा दे के उनको इनकरेज कर रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे एट अ लोअर प्राइस में भी, बट आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। ओके, वैलिड पॉइंट। एक्सपोर्ट डेप्रिशिएट कर सकते, वेरी गुड, डेप्रिशिएट नहीं बोलेंगे इधर, बिकॉज आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तो डीवैल्यूएशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। सो डीवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट कर सकते हैं, उससे हमारा एक्सचेंज रेट कॉम्पिटिटिवली और अच्छा हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवली आपका चीपर हो जाएगा, तो ज्यादा होगा इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इम्पोर्ट कम। वेरी गुड पॉइंट, दो पॉइंट हो गए और। ठीक है, फिस्कल, उसको आप फिस्कल पॉलिसी बोलो, थोड़ा बना के बोलो। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस द, नहीं किस पे टैक्सेशन रिड्यूस, नहीं तुम सब्सिडी तो बोल दिया, सेम पॉइंट आ जाएगा, दैट इज द सेम पॉइंट। तुम अगर फिस्कल पॉलिसी बोल रहे कॉमन मैन के लिए बोलो कि कॉमन मैन के लिए फिस्कल पॉलिसी आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी को कम, आप बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ले रहे हो, मतलब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो, टैक्सेस बढ़ा रहे हो, तो पैसा मेरे पास कम रहेगा तो हम इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे गुड्स, इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तुम सेम पॉइंट दो बार बोले, नहीं बोल सकता है वो, मनी सप्लाई का एक पॉइंट हो सकता है, जैसे ये फिस्कल पॉलिसी हो गया आपका, मनी रिस्ट्रेंट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी रिस्ट्रेंट हो गया, तो उसमें आप क्या करोगे, टाइटन करोगे मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे कर सकते हैं आप, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उससे लोग यहाँ के लोन कम लेंगे, सेव ज्यादा करेंगे, इम्पोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट विल ग्रो। ठीक है, और बोलो जानवी। Increasing the administration of imports licensing. Import licensing, क्योंकि कोटा टैरिफ तो आपने वो कर दिया, बट आप इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कर सकते हो ना, कि कुछ गुड्स पे आप लाइसेंस कर सकते हो कि इस पे जिसके पास लाइसेंस है वही इम्पोर्ट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप एक्सपोर्ट को और कन्वीनियंट बना सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट एंड पेपर वर्क का ब्यूरोक्रेसी कम कर सकते हो इन द एक्सपोर्ट। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। जीडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस 70 प्लस 40 माइनस 30 नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी बोला है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, डी है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे एक्सक्लूडिंग था, तो यहाँ क्या करना होगा? क्यों? ठीक है, टैक्स लेना ये बोल रहा है क्योंकि एमपी है, और इन ये है इंक्लूडिंग ट्रांसफर पेमेंट, तो माइनस 10 करना होगा कैपिटल के लिए, नहीं इसको नहीं माइनस करना है क्योंकि ग्रॉस बोला है। चलो आंसर बताओ कितना आ रहा है। टू एट्टी फाइव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया क्यों नहीं ले रहे हैं इसको और इसको, बाकी सब ले लिया हमने। नेक्स्ट, तो इसी से स्टार्ट करो, 285 से स्टार्ट करो। एन वाई बोला है ना, तो ये हम लोग प्लस कर देंगे, बस बेसिक प्राइस है, तो माइनस कितना आ रहा है? 290। वेरी गुड। नेक्स्ट, बस आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, माइनस 20 कर दो, कितना आएगा? अच्छा, एट मार्केट प्राइस फिर से बोल दिया, तो प्लस 15 भी होगा और माइनस 20, मतलब माइनस 5 कर दो, तो 285 अगेन। एक्सप्लेन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, यहाँ 290 आ था, एक्सप्लेन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस 4% राइज इन नॉमिनल जीडीपी मे बी अकंपनीड बाय अ 2% फॉल इन रियल जीडीपी। इसका मतलब क्या? नॉमिनल जीडीपी 4% से भरना एंड रियल जीडीपी 2% से फॉल होना। जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज हुआ, आपका नॉमिनल 4% से बढ़ा और ये 2% से कम हो गया, तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर 6% से बढ़ पक जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ेगा कि कम होगा? जीडीपी डिफ्लेटर गलत बोल रहे, तुम सोचो फिर से। बोलो, पहली बात तो ये चेंज कब होता है? जब आपका नॉमिनल बढ़ रहा है बट रियल 2% से आपका गिर है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो गुड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिफ्लेटर उसमें इन्फ्लेशन इज हैपनिंग एट अ हायर रेट देन द इंक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी व्हिच एक्चुअली लीड्स टू अ फॉल इन द रियल जीडीपी। ठीक है, मे बी आपका ये 4% से बढ़ा है एंड आपका जो इन्फ्लेशन 6% से आपका बढ़ रहा है और ये 4% से बढ़ रहा है, तो आपका एक्चुअल में क्या हुआ? रियल जीडीपी 2% से फॉल, तो डिफ्लेटर क्या हुआ भाई? डिफ्लेटर तो 6% से बढ़ा ना, तब ना जाके तुम लोगों का रियल फॉल होगा। क्या पढ़ रहे हो? हाँ, क्या हो गया? एक्सप्लेन वेदर अ कार दैट इज प्रोड्यूस्ड, आप लोग का जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट खराब है, आज रिवाइज करोगे। एक्सप्लेन वेदर अ कार दैट इज प्रोड्यूस्ड इन 2020 इज नॉट सोल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ 2020 और नॉट, प्रोड्यूस्ड बट नॉट सोल्ड, कहा आपका ये इन्वेंट्री में इंक्लूड हो जाएगा ना, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर में इंक्लूड हो जाएगा, सो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट फिगर। आई जो होता है हम लोग का, आई आई मतलब इन्वेंट्री भी रहता है उसमें, क्लोज इन्वेंट्री। चलो नेक्स्ट,
एक्सपेंशनरी है, वेरियस कंपोनेंट्स दैट मेक द एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के वेरियस कंपोनेंट्स का बता दो एक एक करके, बहुत इजी है. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट है? इंटरेस्ट रेट आप कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो? कम कर रहे हैं. कम कर रहे हैं तो लोग सेव कम करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन विल इंक्रीज. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, कैसे बढ़ा रहे हैं? ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस में वो क्या कर रहे हैं? बॉन्ड खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? खरीद रहे, मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे हम लोग अनसर्टेन है, नहीं बता सकते, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी. सो यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट. स्मार्ट, ठीक है, यू हैव टू थिंक वेरी स्मार्ट. और इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, वो इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है, वो तुमको ऐसे समझाना होगा जो मैंने अभी समझाया. ओएमओ बाय कर रहा है, तो बाय कर रहा है तो उससे क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तभी तो लोग उसको सेल करेंगे, वरना क्यों सेल करेंगे, है ना? ठीक है. आई पे क्या इम्पैक्ट है? इन आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा. एक्स, हाँ, जब आप इससे रिलेट कराओगे तो आपको क्या चाहिए? एक्सचेंज रेट. तो अ फॉल इन द डोमेस्टिक, अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट विल लीड टू व्हाट? डोमेस्टिक करेंसी में अप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन. Why? अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा सो इट विल लीड टू व्हाट? डोमेस्टिक करेंसी. वेरी गुड श्रेय, डेप्रिसिएशन. कैन यू एक्सप्लेन श्रेय? Ma'am, because of if there is a decrease in interest rate, people will demand more, they will import more, there will be increase in the supply of domestic currency, but decrease in the demand for domestic currency. Reason nahi samjha pa rahe. Agar interest rate kam hoga, hot money yaad hai? Hot money bahar jayega na. Log kyun yahan pe aake invest karenge? To supply of our currency will go, supply will increase, demand will fall. So there will be a depreciation in the domestic. और depreciation होने से export क्या होता है? बढ़ता, हम लोग का पैसा export बढ़ेगा, import कम होगा. तो ये पूरा समझाना है भाई, तब जाके 5 mark मिलने वाला है. Free का 5 mark नहीं मिलेगा. हो गया, चलो next. Bertrand model of oligopoly and Cournot model of oligopoly. Explain which model can best explain the price wars that occasionally takes place between the supermarkets. Cournot model में क्या बोलते हैं अपने? क्या assume करते हैं कि एक firm given amount of output बनाएगा, demand given होता है ना market का, और एक फर्म का प्रोडक्शन गिवन होता है ऐसा कि अगर मार्केट डिमांड है ए प्लस बी है तो ये हम लोग को गिवन है कि इतना बी बनाएगा. बी का गिवन होता है, ए डिसाइड करता है. हाँ, तो अगर फर्म ए अज्यूम करते हैं कि बी का ये जो मैंने बनाया गिवन प्रोडक्शन है तो वो टोटल मार्केट डिमांड से अपना बी का कम कर देगा और अपना डिमांड कर्व बनाएगा और उसके रिएक्शन में उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होगा और उसी प्राइस पे बी को भी बेचना पड़ेगा. सो द Cournot इक्विलिब्रियम रिजल्ट इज व्हेन द टू फर्म्स मेक अ करेक्ट अजम्पशन कि दूसरा सामने वाला क्या बनाएगा, तब उनका करेक्ट इक्विलिब्रियम आता है. मैं मुझे अगर पता है कि ये क्यू ए बनाएगा तो इसको क्यू ए ही बनाना है और ये मेरे लिए बोल रहा है कि ये बनाएगी क्यू बी, तब अगर वो सेम आया तब जाके अपना इक्विलिब्रियम बनेगा, वरना तो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा. करेक्ट.
और बर्टन मॉडल में क्या होता है, प्राइस. करेक्ट. तो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, वहां पे प्राइस गिवन है. सो ईच फर्म टेक्स द प्राइस ऑफ द अदर फर्म. ये अगर जो लास्ट ईयर सेट किया था वो हम इस ईयर करेंगे, जो हम लास्ट ईयर किए थे वो इस ईयर सेट करेगा उस हिसाब से. गिवन दिस मीन्स चार्जिंग अ लो प्राइस देन द अदर फर्म, द अदर फर्म विल ऑल्सो डू लाइक वाइज एंड दिस कैन रिजल्ट इन प्राइस कट दैट इवेंचुअली लीव नो टू फर्म्स एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट. सो बर्ट्रेन मॉडल में क्या था, प्राइस गिवन होता है, याद रखना. कूनो मॉडल में क्वांटिटी गिवन होता है. और यहाँ मैं क्या करूंगी, लास्ट से 5 रुपए का बेचा था, मैं इसे 4 रुपए का बेचूंगी, मैंने बेचा था 6 रुपए में, तो ये और कम, तो ये हम लोग के प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा एंड एट द एंड टोटल कॉस्ट हमारा कवर नहीं होगा. तो ये पूछ रहे, अब ये हमने समझाया. अब बताओ, ये आपने समझा दिया, आपको 2-2 मार्क मिल गया, 2 मार्क्स 2 मार्क्स. अब 1 मार्क इज कि अगर जो प्राइस, विच मॉडल कैन बेस्ट एक्सप्लेन प्राइस वॉर, तो बर्ट्रेन मॉडल इज अ गुड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वहां पे, और सुपर मार्केट है. सुपर मार्केट में क्या है, मतलब इट्स लाइक अ मार्केट जहाँ एक ही चीज के बहुत सारे शॉप्स हैं. तो वहां पे क्या हो रहा है, भाई मुझे पता है इसने इतना रखा था तो मैं कम कर, प्राइस वॉर वहां पे होना ज्यादा ज्यादा पॉसिबल है रादर देन कूनो मॉडल नहीं एक्सप्लेन करता है प्राइस वॉर. करेक्ट. दैट्स डिफरेंट एक्चुअली, बट बोल सकते हैं. हाँ चलो नेक्स्ट. एक्सप्लेन विद द एड ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हाउ गेम थ्योरी कैन रिजल्ट इन द टू फर्म्स एक्टिंग इन आइसोलेशन, बोथ सेटिंग हाई आउटपुट दैट आर नॉट इन देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट. तो हम लोग आराम से बना सकते हैं एक पे ऑफ डायग्राम. योर आंसर शुड इंडिकेट हाउ बोथ फर्म्स अग्रींग टू लोअर आउटपुट कुड हैव रिजल्टेड टू अ जॉइंट प्रॉफिट्स. तो हम लोग लो लो हाई हाई बना देते हैं, ठीक है. आप लोग एग्जाम्पल, आप लोगों के पास कंपाइलर में भी एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर कल्यूजन किया होता तो बेटर आउटपुट आता. तो एक बनाओ ना, लो हाई, लो हाई, ये ए है ये बी है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रॉफिट अंडर डाल रहे हैं, अगर लो लो बना रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है 10,10. इसमें लेट्स सपोज 5,12, 12,5 और 8,8. तो क्या डिसाइड करेगा ये लोग, फॉर अलग अलग बताओ, ए का बताओ, ए क्या डिसाइड करेगा. अगर बी लो जाता है तो ए जाएगा हाई, और अगर बी हाई जाता है तो ए जाएगा हाई. तो ए का हो गया हाई और बी का सिमिलरली, अगर ए जाएगा लो तो बी हाई जाएगा, अगेन ए जाएगा हाई तो बी जाएगा हाई. इसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है ना इस वाले में, तो अगेन दोनों का हाई हाई, मतलब दोनों कहाँ बनाएंगे, दोनों 8-8 पे बनाएंगे. बट अगर दोनों लो लो पे बनाते तो 10-10 होता. तो ये आपको बेसिकली समझाना है, ये हमारे कंपाइलर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप वहां से ले लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन. अनएंटिसिपेटेड से हमें क्यों प्रॉब्लम है, एंटिसिपेटेड क्या होता है पहले तो ये बताओ. एंटिसिपेटेड इज बेसिकली हमने उसको फैक्टर इन किया था, बहुत सारी चीजों को, फैक्ट्स फिगर्स सब कुछ कंसिडर करने के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम इतना इन्फ्लेशन होगा एंड इतना प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस आपके जो. एंड एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन की वजह से हम अपना जो बिजनेस की पॉलिसीज हैं, बिजनेस की जो हमारे डिसीजंस हैं, वो हम लोग अच्छे से बना सकते हैं. गवर्नमेंट भी अकॉर्डिंगली पॉलिसी सेट कर सकते हैं. अनएंटिसिपेटेड में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जिसमें फैक्टर इन नहीं करता है कि भाई फर्म्स, बोरोअर्स, हाउस होल्डर्स, लेंडर्स ये कैसे अपना डिसीजन लेंगे. So it is generally accepted that unanticipated inflation is more harmful. There are many harmful effects to the economy that are caused by unanticipated inflation. जैसे कि क्या, जैसे कि अपने आप इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ जाता है, जैसे बोरोअर टू लेंडर, लेंडर टू बोरोअर, सॉरी इफ देर इज एन इन्फ्लेशन हैपनिंग, तो लेंडर टू बोरोअर, या फिर फिक्स्ड इनकम वालों का लॉस हो जाता है बेसिकली. सो इन्फ्लेशन ऑल्सो टेंड्स टू बेनिफिट बोरोअर्स. ये पूरा समझा दोगे कि कैसे बोरोअर्स को होता है, बिजनेस प्लानिंग में हेल्प नहीं होता है बेसिकली. आपको ना
इसमें कुछ नहीं करना है, इन्होंने खाली वर्ड्स आपके दिमाग में घुसा दी है, एंटिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड. आपको समझाना क्या है यहाँ पे पता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन. क्योंकि वो डिसएडवांटेजेस मैंने एंटिसिपेट किया है. अडैप्टेड, एक होता है अडैप्टिव इन्फ्लेशन, एक होता है रैशनल इन्फ्लेशन. दोनों ही अडैप्टिव है, दोनों ही एंटिसिपेटेड है, सॉरी अडैप्टिव भी और रैशनल भी, दोनों ही एंटिसिपेटेड है. तो अगर मुझे एंटिसिपेट मैंने कर लिया नेक्स्ट ईयर 5% का इन्फ्लेशन है, आई विल हैव माई इंटायर प्लान रेडी अकॉर्डिंग टू दैट. बट वॉट इफ unanticipated inflation turns out to be 7%. All goes into vain. वो 2% का जो गैप है, तो उसके सारे आपको disadvantages बताने. Borrower to lender वाला, fixed income group वाला, और international competitiveness. हमारा country का अगर inflation बढ़ेगा, बाकी country का inflation नहीं बढ़े, तो वो कैसे होगा? उसके वजह से आपके average price, menu cost very good, जानवी, menu cost is one of it. तो आपको disadvantages of inflation लिखने. Next, आपको ना पकड़ना है कि भाई ये चाहा कुछ अलग नहीं रहे हैं, जो आपने कंपाइलर में पढ़ा है आपसे ये वही चाह रहे हैं, बस ये आपके दिमाग में अनशंट वर्ड्स डाल रहे हैं. डिस्कस हाउ बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कमेंट ऑन द एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर द ब्रॉडर इकोनॉमी फॉर ब्रिंगिंग बाय. तो अब क्या बोले, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से कैसे हम लोग करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, टैक्सेस ज्यादा, उसके बाद एक्सपोर्ट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इम्पोर्ट हम लोग, करेक्ट. और मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो आप लोग एक्सप्लेन करोगे मॉनेटरी पॉलिसी में आपको क्या करना है. मॉनेटरी पॉलिसी में आपको कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब आपको मनी सप्लाई कम करना है, आप सेल करोगे, वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करोगे, तो वो पूरा आप समझा दोगे. दोनों को समझाना है. और फिर बोल रहा है कि इन्फ्लेशन आप कंट्रोल करने जाओगे तो इसका ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. वेरी गुड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो वो आपको समझाना है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा. और बोलो, अगर ओपन इकोनॉमी है, हमने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, तो उसके वजह से एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा. वेरी गुड, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में हैम्पर होगा. और हो सकता है ना कि वो फेयर भी नहीं हो, हमारे इकोनॉमी को परमिशन नहीं मिले, क्योंकि आर इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ अ एंटायर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो वो परमिशन भी ना हो कि आप ये सब ले पाओ एक्शंस. और ठीक है, इम्पोर्ट भर जाएगा. कैसे? आफ्टर इफेक्ट. हाँ ठीक है. और आप मनी सप्लाई कम कर दे रहे हो, लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, नैरो मनी सप्लाई इज फॉलिंग, तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा लोगों के पास, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एंड उससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो ये पूरा समझा दोगे ना अगर, तो वो 2 मार्क्स मिलेगा उस पॉइंट से. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, सॉरी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. पूरा उसको समझा दोगे ना कि कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा रिलेट कर दोगे, तो अपने आप एक बड़ा सा पॉइंट बन जाएगा, उसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा इंस्टेड ऑफ 1. क्या क्या हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है गवर्नमेंट ने, उससे उसने क्या किया, सिक्योरिटी खरीद लिया है, लोगों के पास नैरो मनी कम हो गया, ब्रॉड मनी बढ़ गया है, बैंक में मतलब बेचा है, तो उनके पास ब्रॉड मतलब बॉन्ड्स हैं, पैसा नहीं है, तो वो डिमांड कम करेंगे. गवर्नमेंट सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज का, दोनों का डिमांड कम होगा. डिमांड कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होगा, सप्लाई कम होगा, लोग कम फैक्टर्स ऑफ लेबर लेंगे. तो ये पूरा समझाने से 2 पॉइंट मिलता है. यू गेट फुल 2. You just, instead of writing that unemployment will go up, you explain it. ठीक है, तो इसका एक पॉइंट मिल गया. फिर और क्या बोल सकते हो बताओ? लोगों गवर्नमेंट को मनी प्रिंट करना होगा ना फ्यूचर में, टू अगेन हाँ वो भी बोल सकते हैं. क्लियर?
सो नाउ यू ऑल कैन रीड दिस क्विकली. आई विल गिव यू 10-15 मिनट्स. सारे इसके जो आंसर्स हैं वो रीड करो ताकि वो माइंड में बैठ जाए. फिर जब उसको दोबारा रिवाइज करोगे तो पॉइंट्स अपने आप निकलेंगे. आई विल गिव यू 15 मिनट्स, क्विकली रीड ऑल द पॉइंट्स एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेपर. देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन. प्लीज रीड ऑल दीज. ये जो लास्ट 10 क्वेश्चंस किए हैं इसको प्लीज रीड कर लो. नेक्स्ट वील डू सेप्टेम्बर 2022 का पेपर.